अज के आधुनिक युग दे विच जिथे बच्चे अपने जन्मदिन बड़ी धूमधाम दे नाल अपने दोस्तों मित्रां दे नाल मनाउंदे हन, उत्थे ही नंगल दे गर्ल स्कूल दी 12वीं क्लास दी विद्यार्थिन सुनैना वासुदेव ने अपना जन्मदिन स्कूल विच बूटा लगा के मनाया। सुनैना शर्मा ने दस्या कि वह अपने दादी जी के कहन उते लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय तो अपने स्कूल अते कई धार्मिक स्थानों उते बूटा लगा के अपना जन्मदिन मना चुकी है। उते स्कूल के प्रिंसीपल ने कहा कि सानू सारयां नू अपने जन्मदिन उते एक बूटा जरूर लगाना चाहिदा है। बूटा लगाउण दे नाल जिथे सानू ऑक्सीजन मिलती है उत्थे वातावरण भी स्वच्छ रहिंदा है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल के समय के ऑक्सीजन की असली वैल्यू का पता सारयां नू लग चुका है, इसलिए सानू सारयां नू सुनैना वासुदेव तो प्रेरित होकर अपने जन्मदिन ते एक बूटा जरूर लगाना चाहिदा है। जाब टीवी लई नंगल तो अविनाश शर्मा दे नाल राकेश राणा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनैना शर्मा है और मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल टाउनशिप में पढ़ती हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से अपने बर्थडे पे पौधारोपण करती आ रही हूँ। इसी के तहत इस साल मैंने अपने बर्थडे पे अपने स्कूल में एक किन्नू का पौधा लगाकर अपना बर्थडे मनाया और मुझे इस बात पे खुशी है कि मैं एक अच्छा कार्य कर रही हूँ और हर साल अपना कुछ योगदान अपने वातावरण को बचाने के लिए दे रही हूँ। मैं अपने सारे फ्रेंड्स और सभी आने वाली जनरेशन सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने बर्थडे पे एक पौधा ज़रूर लगाएं। अज असी इत्थे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल स्कूल नंगल च आए हैं। बिटिया सुनैना का जन्म दिवस है अज, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू सुनैना। जैसा कि आज इसने अपना जन्मदिन मनाया, एक पौधा रोपित करके बनाया और कीनू फल हमारे पंजाब में बहुत मशहूर है, मीठा भी बहुत होता है, इसका पौधा इसने लगाया। इसने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं तो भारत विकास परिषद से हूँ, हमारी एक सामाजिक संस्था है जो संपर्क सहयोग संस्कार सेवा और समर्पण के भाव से कार्य करती है। तो ये जो पौधा रोपित करने का कार्य है, ये तो संस्कार बच्चों में हम सिखाते हैं। जैसा कि जो फल आज हम खा रहे हैं वो हमने तो नहीं लगाए, हमारे बुज़ुर्गों ने एल्डर्स ने लगाए होंगे, जिसके फल हम चख रहे हैं, बहुत मज़े से खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। ऐसे हम बच्चों को ये संस्कार देना चाहते हैं कि आप भी ऐसे पेड़ लगाओ ताकि आने वाली जनरेशन्स कैसे खाएंगी। जैसे हम अपने पहले की जनरेशन से लगाए हुए पौधों के फल खा रहे हैं, हमारे जनरेशन जो पौधे लगाएगी उसके फल जो जनरेशन खाएगी, ये सर्कल चलता रहना चाहिए। और ये सेवा का कार्य भी है, संस्कार हमने दिया पौधा रोपित करने के। सर, लड़की प्लस वन थी सुनैना, जिसका आज बर्थडे सीगा, इन्हें अपना बर्थडे स्कूल दे विच प्लांटेशन करके ट्री प्लांट करके लगाया है। सो सब तो पहला तो मैं अपने वालों अपने पूरे स्टाफ वालों इस बच्ची नूं बड़ियां शुभकामनावां देनी हाँ और ये विश करती हाँ कि परमात्मा इस दे जीवन विच जिस तरह ये इसने हरा भरा बूटा लगाया है, इसी तरह ही इसका जीवन जड़ा है हमेशा खुशहाली भरा और हरिया भरिया रहे। दूसरी गल, अज का युग तुसी देख रहे हो कोविड-19 का युग है, तो हर पासे ऑक्सीजन की घाट तुसी देख इसनों असी महसूस करते हैं कि ऑक्सीजन के वास्ते लोग जड़े इधर उधर दौड़े भजे फिरते हैं और ये प्लांट जड़े आ जड़े कि सानू फ्री दी ऑक्सीजन देंदे आ। एक मैसेज भी है लोगों वास्ते भी कि पेड़ों नू कट्टन दी बजाए होर पेड़ लगा के अपने जन्मदिन के उपर, साड़ी पुरानी संस्कृति विच भी सर असी मोमबत्तियां बुझा के नहीं बल्कि दीवे जगा के अपना जन्मदिन मनांदे सी, ते अजकल दी संस्कृति विच तां हैप्पी बर्थडे जड़ा है लोकी मोमबत्तियां बुझा के मनांदे ने। सो मेरा ही लोगों नू यही संदेश है कि पेरेंट्स नू भी यह संदेश है कि अपने बच्चों नू इदां दा मैसेज दिओ कि असी अपनी संस्कृति नाल जुड़िए, इन्हां चीज़ां जिहड़ियां ने इस तरीके नाल अपना जन्मदिन मनाइए, लोगों तक मैसेज जाइए और अज दी जिहड़ी जरूरत है जिस तरह के पेड़ कट्टे जा रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई घटती जा रही है, तो आज दी इस भखदे मुद्दे नू लैके इस आज दी जरूरत नू पूरा करन वास्ते बच्चे भी और उन्होंने पेरेंट्स जो योगदान पा सकते हैं वो पाओ। सो मेरे वालों और मेरे सारे स्टाफ वालों इस बच्चे नू एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनावां, हैप्पी बर्थडे।